नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्टूडेंट्स आपको साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो पढ़ा रही हूँ। आज हमने आज तक जो पढ़ा हमने वो साइकोलॉजी क्या है, यानी कि मनोविज्ञान का क्या है, मनोविज्ञान क्या था, मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया था, मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान बन चुका है, कौन सी सदी थी जिससे उसे आत्मा के विज्ञान से लिया गया था, आज उसे अध्ययन यानी व्यवहार के विज्ञान तक लाके छोड़ा है, इन सारी चीज़ों की वीडियोस मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा मनोविज्ञान, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी कि मनोविज्ञान का शिक्षा में आने का क्या महत्व है, क्या मतलब है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जिस तरीके से मनोविज्ञान यानी कि साइको प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर क्या बना था, मनोविज्ञान बना था। और शिक्षा मनोविज्ञान किससे बना है, देखिए स्टूडेंट, मनोविज्ञान किससे बना था, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस, यानी साइकी का मतलब, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन यानी कि आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ माना गया था कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, मनुष्य यानी प्राणी जगत की आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान में साइकोलॉजी माना गया था, मनोविज्ञान माना गया था। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एजुकेशन प्लस में साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, दो सब, ये है ओनली मनोविज्ञान, ये है ओनली फॉर मनोविज्ञान जो साइकी प्लस लोगस से बना है इसका है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ बताया गया है, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया में मानव के व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान माना गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में हम पता लगा पाएंगे कि बालक या व्यक्ति किस प्रकार के वातावरण में, यानी कि बालक और व्यक्ति है वो किस प्रकार के वातावरण में अधिक सीख पाता है, अधिक अधिगम कर पाता है, अधिक लर्निंग कर पाता है। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, या फिर उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है, मानव व्यक्ति जो भी है उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसे हम ज्यादा इफेक्टिव किस तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इन सब बातों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा माना गया है कि बिना मनोविज्ञान के सीखने की कला अधूरी मानी गई है, सीखने की भी और सिखाने की भी दोनों प्रक्रिया बिना मनोविज्ञान के अधूरी है, सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो शाखाएं पढ़ाई थी उसके अंदर 16वीं शाखा थी वो व्यवहार के मनोविज्ञान की थी, 17वीं शाखा थी वो शिक्षा मनोविज्ञान की थी। तो व्यवहार से शिक्षा मनोविज्ञान को लिंक किया है क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो सिद्धांतों और व्यवहारों पर, शिक्षा मनोविज्ञान है सिद्धांतों और व्यवहारों पर ही टिका हुआ है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बालक या व्यक्ति के सिद्धांतों से व्यवहारिक ज्ञान के आंकड़ों को कलेक्ट करके शिक्षा मनोविज्ञान के
से उसका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को बहुत जगह प्रभावित किया है। कहाँ कहाँ किया है? पाठ्यक्रम के अंदर, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्तियों के अंदर, व्यक्ति के मूल्यांकन के, बच्चे के मूल्यांकन के अंदर, इतनी सारी चीजों के अंदर मनोविज्ञान ने इन चीजों को प्रभावित किया है। यानी किसने किया है? शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। तो स्टूडेंट, शिक्षा के सभी पहलुओं को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया। वो पहलू कौन कौन से हैं? शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है स्टूडेंट्स, शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो तात्पर्य यहाँ हमने बताया है वो है स्टूडेंट्स, क्या है कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसको सुधारने के लिए, इन दोनों की जो प्रक्रिया है उसे, ये जो प्रक्रिया चलती है इसे सुधारने के लिए, क्या किया गया है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण, शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अर्थ का विश्लेषण किसने किया था, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण स्कीनर द्वारा किया गया था। स्कीनर ने 5 पॉइंटों के अंदर अपनी जो यह मनोविज्ञान की जो विश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक जो क्रिया है उन्हें बताया था। तो किसने किया था स्टूडेंट्स? तो हम अभी स्कीनर के बारे में, स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को 5 भागों में विभक्त करके बताया है। स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 भाग बताए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के कितने भाग बताए हैं? के 5 भाग बताए हैं। और इन 5 भागों के आधार पर ही हम पूरे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो पहला पार्ट जो है शिक्षा मनोविज्ञान, स्कीनर ने जो दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का क्या है व्यवहार है। पहला पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेंटर है, केंद्र है, वो मानव का व्यवहार ही है। सेकंड यहाँ पे उन्होंने बताया है शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का समूह है। मनोविज्ञान खोज और निरीक्षणों से प्राप्त क्या? तथ्यों का समूह है। सेकंड, स्कीनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 जो भाग बताए हैं वो कौन कौन से हैं? मेन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार है, शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षणों से प्राप्त जो तथ्य होते हैं उनका समूह है, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान में ज्ञान और सिद्धांतों के रूप में बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान को तीसरा जो है शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान को ज्ञान और सिद्धांतों के रूप में बताया गया है। वो ज्ञान एवं सिद्धांतों के रूप में बताया है।
किसने बताया है स्टूडेंट? स्कीनर। किसने? स्कीनर ने बताया है। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया है? चौथा पॉइंट बताया है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की समस्याओं का, शिक्षा की समस्याओं का पद्धतियों का प्रतिमान बताया है, स्वयं की प्रतिमान की प्रतिपादित किया है, स्वयं की पद्धतियों को प्रतिपादित किया है। तो स्टूडेंट, जितने भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ते हैं उन्हें स्वयं शिक्षा मनोविज्ञान ने ही माना है। जितने भी सिद्धांत हम शिक्षा, अब देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम विधियां पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्यों पढ़ेंगे, वो प्राणी जगत के ऊपर जो प्रयोग होंगे उनका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्यावहारिक जो मनोविज्ञान की शाखा थी उसके अंदर हमने 7 तरीके से चिकित्सक, वकील, सैन्य वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जो हमने अध्ययन किया था, वो हमें क्या छाप हमारे ऊपर छोड़ती है, तो वो क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहता है उसकी साइकोलॉजी को जानते हुए उसका प्रॉपर क्षेत्र का चयन करना, मैंने आपको कल की शाखाओं में बताया था। आज हमने जो स्कीनर ने 4-5 पॉइंट हमें बताए हैं कि इनके माध्यम से, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण सब प्रथम किसने किया, तो हम यहाँ प्रश्न का आंसर स्कीनर देंगे। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को अलग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो हम विलियम्स बुंट को वहां मानेंगे, क्योंकि विलियम्स बुंट थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर एक छोटी सी शाखा मनोविज्ञान की थी, उसे उन्होंने अलग करके एक विधिवत विद्वान, एक प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम दिलवाया, वो विलियम्स बुंट थे। देखिए स्टूडेंट्स, विलियम्स जेम्स और विलियम्स बुंट दोनों में ही अंतर है, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोगों के माध्यम से सर्वप्रथम विलियम्स बुंट ने मनोवैज्ञानिक की शाखाओं का प्रचलन किया। जो इनके सेकंड जो आए थे, इनके बाद जो थे, वो विलियम्स जेम्स को माना जाता है। तो इस प्रकार की चीजों का कंफ्यूजन हम यहाँ दूर करते हुए मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो करेंगे। एक चीज भी याद रखने वाली है कि सर्वप्रथम जो शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन ही थी वो किसने दी थी, वो पेस्टोलॉजी ने दी थी। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है वो दी थी कि शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का अध्ययन, शिक्षा को मनोविज्ञान के अध्ययन से जानना, ये सारी चीजों का हम जो चर्चा है वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। मेरे अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियो पर कमेंट करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे नवभारती चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की अपडेट है वो आती रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।